भोपाल में करणी सेना परिवार का आमरण अनशन और धरना आज चौथे दिन भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जमुई मैदान में सम्मेलन के लिए एक दिन रविवार की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 पदाधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि अन्य संगठनों के समर्थन से यहां पर भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे तक का रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है। उन्हें डायवर्टेड रूट से लंबा चक्कर लगाकर आना और जाना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3,000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए हैं। वहीं धरने और अनशन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी हमारे अपने हैं और कोई गैर नहीं है। हम भाइयों में आपस में कोई भी बैर नहीं है। उनसे चर्चा करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे स्वजन हैं, मान जाएंगे। बता दें कि 8 जनवरी को 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। मंगलवार को 2 लोग और बढ़ जाने से संख्या 7 हो गई है। वो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में कोई आपस में बैर नहीं। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। तो मेरी मान्यता है कि हमारे स्वजन हैं,